हेलो नमस्कार सभी साथियों को, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी इंजन स्टडी 85 में। और आपको जोर शोर से पढ़ाई कराने का, आप में जुनून पैदा करने के लिए फिर से आ गए हैं आपके लिए वही चैप्टर लेके जिसका आपका मुख्य नाम रहेगा इंजन के मुख्य भाग। तो इंजन के मुख्य भागों में हमने आज तक पढ़ा, आज मैं कुछ अलग से आपको कुछ नहीं कहने वाला, न कोरोना गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप सभी अब समझदार हो गए होंगे और अपने घर पे सभी सुरक्षित रहे। फिर भी मैं दोबारा से कह देता हूँ कि अपने घर पे सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें और अपने बीच की जो दूरी बढ़ाई गई है वो बनाए रखें, बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। सिर्फ स्टडी वाले सिर्फ स्टडी की तरफ ध्यान देंगे। चलो चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। ये देखो इंजन के भाग, इंजन के भाग में आज तक हमने पढ़ा कि क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, हमें पता है कि एक इंजन का सबसे मजबूत सबसे ज्यादा घूमने वाला भाग हमारा क्रैंकशाफ्ट कहलाता है। तो क्रैंकशाफ्ट पे क्या क्या अटैचमेंट होता है, तो क्रैंकशाफ्ट के साथ हमें पता है सबसे पहले ऊपर से मिलने वाली थ्रस्ट जो हमें कनेक्टिंग रोड के द्वारा मिलती है, वो सीधी कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट के किससे जुड़ी होती है, क्रैंक पिन से। इसलिए मैंने आज यहाँ ड्रॉ पहले से कर लिया था कि आपका टाइम खराब नहीं हो। यहाँ देखें क्या क्या भाग होते हैं, मैंने आपको बताया था जनरल पिन और वेब, ये इतने कुछ इसके भाग होते हैं। यहाँ देखो सबसे मुख्य भाग होता है क्रैंक जनरल। क्रैंक जनरल वो भाग होता है जो आपके क्रैंक केस में कहीं ना कहीं उसे सहारा देने के लिए रोके जा सके। तो ये क्रैंक जनरल हो गया, क्रैंक जनरल के लिए जहां ये भाग सहारा जाता है वहां उस भाग को क्या कहते हैं, मेन बेयरिंग को क्या लगाया जाता है, मेन बेयरिंग, MAIN मेन बेयरिंग लगाया जाता है इस भाग को रोके रखने के लिए। इधर ये भाग आ जाएगा आपका क्या, क्रैंक जनरल। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, जिस भाग में कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरा जुड़ता है उस भाग को अपने कह देते हैं क्रैंक पिन। और इसमें लगाने के लिए कौन सा बेयरिंग काम आएगा, तो हमें पता है सेल बेयरिंग आता है। क्या आता है, सेल बेयरिंग। इससे आगे हम चले तो ये बीच में फिर और क्या आ गया, ये देखो ये क्रैंक पिन तो नहीं है, तो क्रैंक पिन नहीं है तो हम इसको भी जनरल कह देते हैं। हमें पता है छोटी क्रैंकशाफ्ट के लिए, सिर्फ छोटी क्रैंकशाफ्ट को सहारा देने के लिए सिर्फ दो जनरल बनाए जाते हैं। अगर उसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है तो उसे बीच में से रोके रखने के लिए अन्य जनरल बनाए जा सकते हैं, ये आपने बात दिमाग में रखनी है। यहां लिखा है मैंने क्रैंक वेब, जो वेट लगाए जाते हैं उन्हें अपने क्रैंक वेब दे देते हैं। जो सप्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम आपका आएगा उसमें आप जो ऑयल डिपर लगाओगे वो इसी के साथ इस तरह से लगाए जाएंगे, किसके साथ, क्रैंक वेब के साथ। इसी तरह यहां हमें पता है कि यहां से इसका संबंध होता है ऑयल सबसे सीधा डायरेक्ट, यहाँ ऑयल सब हो गया, यहाँ यह हमारा गियर आ गया, यहां से सीधा प्रेशर जाएगा यहाँ इसमें जनरल में, जनरल से होता हुआ ऑयल गैलरी पास करेंगे इस तरह से, ये पास करेगी इसको, इसको पिन को, और पिन के साथ हमारी क्या जुड़ी हुई है, कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड में से एक हमने ऑयल पास किया और ये चला गया गजन पिन को, और यहां से फिर ऑयल होगा और यहां से ये ड्रिलिंग हो गया, फिर इस भाग को इसने क्या किया, लुब्रिकेशन, फिर जनरल को किया, ये सभी भागों को लुब्रिकेशन करती हुई अंत में यहां पहुंच जाती है और यहां से वापस तेल कहां गिर जाता है, आपके ऑयल पैन में या ऑयल सम्प में। तो ये थी हमारी क्रैंकशाफ्ट। तो हमारी क्रैंकशाफ्ट के साथ क्या क्या लगे होते हैं ये वार्ता हम कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ एक जोड़ा किसको, कनेक्टिंग रोड को। तो हमें पता है कि क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या, क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर हम लगाते हैं किसको, फ्लाई व्हील को, किसको, फ्लाई व्हील को, फ्लाई व्हील लगा दिया मैंने पिछले सिरे पर। फ्लाई व्हील क्या काम करता है, ऊर्जा संग्रहण युक्ति होती है जो कि हमें आइडल स्ट्रोक के समय संपूर्ण ऊर्जा हमें प्रदान करती है, और तीनों आइडल स्ट्रोकों को जो निष्क्रिय स्ट्रोक कहते हैं उन्हें पूरा कर देता है, उसे कह देते हैं फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील सिंगल कास्टिंग के द्वारा बनाया जाता है, काफी मजबूत भाग होता है और ये कास्ट आयरन का बना होता है। और फ्लाई व्हील के साथ सिंगल इंजनों के लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि जो इंजन सीधे स्टेशनरी होते हैं उनमें कुछ नहीं होता, और जो मल्टी इंजन में क्लच प्लेट वगैरह की व्यवस्था होती है उनमें फ्लाई व्हील के एक सिरे पर क्या लगाया जाता है, क्लच प्लेट लाइनिंग बना दी जाती है। अब इस बात में आता है कि ये भाग अभी आप सब पढ़ेंगे, इस भाग पर जो अगर सिरा होता है उस पर जुड़ा होता है वाइब्रेशन डंपर। तो आज हम इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है, क्या, वाइब्रेशन डंपर और फ्लाई व्हील। तो चलो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक पर पूरा कंप्लीट कर दें। इस भाग में थोड़ा सा सबसे लंबा लेशन आपका यही रहेगा इंजन के भाग, इंजन का भाग अपने जैसे ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें सिर्फ छोटी छोटी क्रियाएं रह जाएंगी वो कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रैंकशाफ्ट हमारा हो गया क्लियर, उसके बाद हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन डैम्पर जिसे कंपन अवमंदक कहते हैं, कंपन अवमंदक, मतलब कि जो कंपनों को कम करने वाला हो। अब कंपन कैसे होते हैं, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आपको पता है इंजन में तीन स्ट्रोक होती है, चार स्ट्रोक होती है, एक दो तीन और चार। पहली होती है सक्शन, दूसरी कंप्रेशन, तीसरी पावर
या फायरिंग और चौथी एग्जॉस्ट। चार क्रियाएं होती है हमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्ट्रोक जिसमें हमें काम मिलता है वो हमारा होता है पावर स्ट्रोक। इसके अलावा हमारे पास तीन बच जाते हैं, एक दो और तीन, जिनमें हमें किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं मिलता। इन तीनों को पूरा करने के लिए हमें लगाना पड़ता है फ्लाई व्हील। परंतु अब ये याद रखो, जब कोई चीज हमें तीन बार छोड़ करके एक बार मिले तब तक कुछ ना कुछ बैलेंस खो देता है जो चलने वाला भाग होता है, जैसे क्रैंकशाफ्ट। और अचानक से जैसे एक दो और तीन स्ट्रोक निकले और अचानक से पावर स्ट्रोक आया तो क्या होगा, अचानक से झटका महसूस करेगा। उस झटके को रोके रखने के लिए, अगर वो झटका डायरेक्ट लगता है किसको, हमारी क्रैंकशाफ्ट को, तो वो क्रैंकशाफ्ट क्या होगी, एक मरोड़ पैदा करेगी और हमारी क्रैंकशाफ्ट उस स्थिति में टूट सकती है। इससे बचने के लिए मैंने अभी बताया कि जो ये कंपन अवमंदक या वाइब्रेशन डैम्पर होता है, ये क्रैंक शाफ्ट के अगले भाग पर लगा होता है। इसमें अगले भाग पर लगा होता है। और क्यों लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं ताकि जो अचानक से पावर स्ट्रोक के समय झटका लगता है उस झटके को अवशोषित कर सके। इसलिए हमें कंपन अवमंदक का उपयोग जरूरी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ये दो तीन बार पूछा गया है कि कंपन अवमंदक क्रैंकशाफ्ट के किस भाग पर लगाया जाता है, तो हमें सीधा पता है अग्र सिरे पर जोड़ा जाता है। इसी तरह फ्लाई व्हील कहाँ लगाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लाई व्हील कहाँ लगेगा, क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर। कहाँ, पिछले सिरे पर। तो चलते हैं, ये हो गया हमारा कंपन अवमंदक। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की बात नहीं है, सिर्फ प्रश्न इतना ध्यान रखना कहाँ लगा होता है, अगले भाग पर। वाइब्रेशन नंबर हो गया, उसके बाद में पढ़ते हैं अपने फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील क्या होता है, ये एक इस तरह की गोल डिस्क होती है, इस तरह की गोल डिस्क होती है जिसके बीच वाला भाग जहां एक वुड्रफ की लगा करके हम इसको रोक लेते हैं और इस भाग में क्रैंक का शाफ्ट आ जाती है और ये उसकी पूरी परिधि होती है। और अब हमें पता करना है कि फ्लाई व्हील का कार्य क्या है। फ्लाई व्हील एक ऊर्जा संग्रहण युक्ति होती है। क्या होती है, पावर स्टोरेज। इसके क्या क्या लाभ है, ये ऊर्जा को संग्रहण करता है, झटकों को कम करता है, झटकों को कम करता है, पावर ट्रांसमिशन देता है। पावर ट्रांसमिशन कैसे दी, ये भी बात होगी। पावर ट्रांसमिशन ऐसे दी क्योंकि अब हमें पता, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े, ये एक मेरा फ्लाई व्हील है। सबसे पहले बात करें कि बड़े इंजन के लिए, बड़े नहीं, सिंगल सिलेंडर जैसे लिखते हैं, सिंगल सिलेंडर के लिए बड़ा फ्लाई व्हील। और जैसे जैसे सिलेंडर की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे एक था, एक से दो हुए, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, चार हुए, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। इस तरह आप जैसे आपके ट्रेन में हमारे पास पड़े हैं, बहुत सारे इंजन पड़े हैं, तो आपने देखा होगा सिंगल सिलेंडर जो इंजन है उसका फ्लाई व्हील इतना बड़ा है। हमने टाटा मोटर, टाटा का जो ट्रक पड़ा है, इंजन पड़ा है, उसका देखा, उसका इतना से फ्लाई व्हील है। इसी तरह महिंद्रा 475 का हमारे पास, उसका भी इतना से है। मतलब कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है, मतलब कि सिलेंडर की, वैसे वैसे फ्लाई व्हील का आकार छोटा होता है। अब फ्लाई व्हील का आकार छोटा क्यों होता है, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें पता है जब एक सिलेंडर होता है तो उसमें तीन हाइड्रल स्ट्रोक बनते हैं और तीनों को घुमाने के लिए उसे बड़ा बनाना पड़ता है। बल्कि जैसे जैसे हम सिलेंडर बढ़ाते जाते हैं तो वो पावर घटती जाती है, कि मतलब कि एक का पावर हुआ उसके बाद तीन हाइड्रल नहीं निकलेंगे, क्योंकि किसी ना किसी सिलेंडर में उसे पावर अवश्य मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता कि सभी में एक साथ पावर मिलती है, नहीं, कुछ ना कुछ फायरिंग क्रम होता है, जैसे 1 3 4 2 या 1 4 3 2, 1 3 5 6 4 2, ये कुछ फायरिंग क्रम होते हैं। जैसे पहले एक वाले में भी घुमाव, तो वही हमारे के पास 360 × 720 डिग्री है, 720 डिग्री में पावर मिलनी है। अब हमने 6 का याद करें तो 6 कितना है, 12 का बेहतर, 120 डिग्री के शब्द के घुमाव में पावर मिल गई। और कहां हमें एक सिलेंडर में कितने पर मिल रही थी, कितने पर मिल रही थी, ये आ गया 4 सिंगल पे करेंगे तो इसका डिवाइडेशन कर देना, हमें पता लग जाएगा कि एक क्रैंकशाफ्ट के कितने एक घुमाव पर हमें पावर मिल रही थी। तो जैसे जैसे डिग्री कम होता जाएगा वैसे फ्लाई व्हील हम छोटा कर सकते हैं। तो अभी इसके बाहर हम कुछ दांते लगा देते हैं इस तरह से, तो ये क्या होता है, रिंग गियर होता है। क्या होता है, रिंग गियर। ये किस काम आएगा, रिंग गियर हमारे काम आता है सेल्फ स्टार्टर लगाने के लिए। क्या, स्टार्टर मोटर लिख सकते हैं, एस टी ए आर
या स्टार्टर, स्टार्टर मोटर या सेल्फ स्टार्टर लगाने के लिए हमें काम में लिए जाते हैं या रिंग गियर। कुछ समय बाद रिंग गियर घिस जाते हैं, तो रिंग गियर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पूरे भाग को बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के बाद ये कुछ अपने आकार से बढ़ जाता है और बढ़ जाने के बाद हम इसे आसानी से उतार सकते हैं और लगाने के लिए वापस वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो हमने कौन सी पढ़ी थी, इंटरफेरेंस फिट। और ये फिट का वाला लेसन अभी अपना आने वाला है, या आपके जो रेगुलर सर चल रहे हैं क्लासों में आपको करवा रहे होंगे तो उनसे कर लेना, ये कोई दिक्कत आई तो मैं आपको ये लेसन करवा दूंगा। तो इसके साथ हमें क्या मिला, हमें ये स्टार्टर मोटर के दांते मिल गए, पावर स्टोरेज कैसे किया कि हमें पता है कि जब तीन निष्क्रिय स्ट्रोक ये पूरे कर रहा है तो ये पावर डिवाइस ही होगी। अब उदाहरण के लिए देता हूं कि आप सर कैसे करोगे, एक इंजन में आप नहीं देख सकते। चलो मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप मेले में गए हो, छोटे थे, बच्चे थे, उस टाइम एक आप गाड़ी लेके आते थे, कौन सी छोटी सी, ये देखो अपने ले आया एक मारुति कार, हेलो ले आया इंगल लगा दिया चार टेयर, आ देखो ये टायर आ गया, ये सब अठन लग गया, अड़क गरारियां लग गई, बागड़ी में समझ लो, हाँ देखो अड़क गरारियां लग गई, छोटी बड़ी फिर बड़ी, यह अठाड़ी बड़ी होया करती ना, आ काफी बड़ी होया करती, इतना बड़ा व्हील दे, इतना बड़ा व्हील जब धक्को लगाऊंगा अचानक तो क्या हो सी, आ घूमेगी, आ घूमेगी तो सारी पावर ही कम आई, तो कार हमारी इतों को धक्को लगा थोड़ी सी आगे जाए। वही सिस्टम हमारा इसके अंदर आ गया, इसके अंदर इस फ्लाई व्हील में, कि जब एक बार उसको पावर मिली अचानक से बहुत ज्यादा पूरे झटके के साथ जैसे ही पावर मिली तो वो क्या किया उसने, वो बहुत ज्यादा गति से घूम गया, और बैलेंस करने के लिए उसके पास वाइब्रेशन नंबर था, और इधर से फ्लाई व्हील अपना पोजिशन बना के घूम रहा है, तो वो हाइड्रो स्ट्रोक को झटके से पूरे कर देगा, और जब तक वो शांत होने लगेगा तब तक अचानक से फिर पावर मिल जाएगी, तो वो अपने रोटेशन में चलता रहेगा। और कंट्रोल करने के लिए हमारे पास गवर्नर है ना, हमें क्या टेंशन है। चलो आगे देखते हैं पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन कैसे करता है। पावर हमने जो स्टेशनरी इंजन देखे उनका फ्लाई व्हील सीधा था, यहां कुछ अटैचमेंट नहीं था, परंतु जो हम इंजनों में या गाड़ियों में जो काम में लेते हैं उनके फ्लाई व्हील के साथ इस तरह एक हाउसिंग बनी होती है, उस हाउसिंग पे एक बड़ी सारी क्लच हाउसिंग जोड़ देते हैं, इसमें एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट हमेशा दबाव बनाएगी किस पे, क्लच प्लेट पे, और क्लच प्लेट के दोनों साइड लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग एक साइड से क्लच प्लेट को पकड़ेगी, दूसरी साइड से फ्लाई व्हील को, जब दोनों को पकड़ लेगी तो दोनों को एक यूनिट बना के घुमाएगी, और जैसे हम प्रेशर प्लेट से दबाव हटा लेते हैं क्लच प्लेट दबा करके, तो क्या होगा, प्रेशर प्लेट रिलीफ हो जाएगी, किससे रिलीज हो जाएगी, किससे, क्लच प्लेट से, और क्लच प्लेट अकेली घूमती रहेगी फ्लाई व्हील के साथ, तो हमारी पावर है जो पीछे नहीं आएगी, इसलिए हमें इसको पावर स्टोरेज डिवाइस के साथ साथ पावर ट्रांसमिशन डिवाइस भी कहते हैं। चलो आगे चलते भाई, थोड़ा सा यार सारा में एक रिक्वेस्ट है भाइयों, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल ना सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कोई भी दिक्कत आवे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दो, मैं थारा हमेशा साथ खड़े हूं। मैं अनूपगढ़ आईटी गेस्ट इंस्ट्रक्टर डीजल मैकेनिक से हूं, और मैं पिछले 6 साल से यही काम कर रहा हूं, अगर कुछ भी त्रुटि हो मेरे में तो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे हमारे पास आ गई जी कैम शाफ्ट, अब कैम शाफ्ट क्या होती है जी, अब कैम शाफ्ट के लफड़ो हुआ गुरु जी, देखो अलग बात आ गई, अब लफड़ो क्या हुआ, अब आपा पहला तो एक बना ली क्रैंक शाफ्ट, तो क्रैंक शाफ्ट है तो कैम शाफ्ट भी तो ये मन चाहिएगी, तो अब यह बात आ गई कैम शाफ्ट कौन से इंजन में कौन ही हुआ, ये भी है, और कौन से इंजन में दो हुए, तो मैंने आपको एक व्यवस्था दिखाई थी LIFT बार बार आएगी, ये मत सोचना कि आपको बार बार नहीं आएगी, तो मैंने कहा था टी में दो कैम शाफ्ट लगती है, कौन सी व्यवस्था में टी में दो कैम शाफ्ट लगती है, तो कौन सा इंजन है जिसमें कैम शाफ्ट नहीं लगती, तो हमें पता है जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें कैम शाफ्ट की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि कैम शाफ्ट का काम क्या है, वाल्वों को, कौन सा वाल्व जी, इनलेट, कौन सा वाल्व, इनलेट और एग्जास्ट वाल्व, एग्जास्ट इनलेट और एग्जास्ट वालों को खोलने और बंद करने के लिए कैम शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम क्या काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और ऑयल पंप चलाने के काम में किसका लेते हैं, इसका, किसका, कैम शाफ्ट का, कौन सी, ये पड़ी हमारे पास क्या,
केम शाफ्ट, केम शाफ्ट का काम लेते हैं इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए, वही टाइमिंग के अकॉर्डिंग, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर को चलाने के लिए, और तीसरा ऑयल पंप को चलाने के लिए। अब आप हना तो पता है कि ऑयल पंप हुआ है, कौन सा ऑयल पंप हुआ है, जो को नीचे ऑयल सम्प में इधर इंजन अंदर लगा है वो ऑयल पंप हुआ है और पूरे इंजन में ऑयल सप्लाई करा है। तो पर यह की समस्या आ गई डिस्ट्रीब्यूटर की चीज है गुरु जी। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने पेट्रोल के होते इंजन होते हैं या गैसोलीन इंजन होते हैं, उनमें हमारे जो डीजल इंजन होते हैं उनमें क्या होता है, इंजेक्टर लगा होता है। तो इंजेक्टर को चलाने के लिए और इसके साथ ऑयल पंप के साथ क्या चलाते हैं, एफआईपी पंप चलाने के लिए भी कैम शाफ्ट का इस्तेमाल लेते हैं। और एफआईपी की फुल फॉर्म क्या है, फ्यूल इंजेक्शन और पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप। देखियो हम प्रैक्टिकल करते बाकी कि जब सिंगल सिलेंडर की कैम शाफ्ट निकालते हैं तो उसपे, अब हम यहाँ एक प्रश्न बताएंगे कि केम क्या होती है। ये एक शाफ्ट बनाते हैं अपने, ये बना लीजिए, इस पर मैंने ये एक केम शाफ्ट ड्रॉ कर दीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से भी मैंने एक केम शाफ्ट यहाँ ड्रॉ कर दी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां से मैंने केम शाफ्ट एक और ड्रॉ कर दी और ये अगला सिरा आ गया इसका। और पिछले सिरे पर अपने इस पर छोड़ेंगे हमने क्या, एक बड़ा गियर, इसको बोल देते हैं क्या, टाइमिंग गियर भी, क्या बोल देते हैं, टाइमिंग गियर भी। और यहाँ एक इस तरह का गियर कटा होता है, इसे बोला जाता है एस के ई डब्ल्यू स्क्यू गियर, क्या, स्क्यू गियर, ये कहलाती है केम लोब्स, ये भी केम लोब्स है, ये भी केम लोब्स है, ये पूरी की पूरी कहलाएगी केम शाफ्ट, ये क्या कहलाएगी, केम शाफ्ट। अब बात सुनते हैं कि केम शाफ्ट कास्ट स्टील की बनाई जाती है, ये मजबूत शाफ्ट होती है, बहुत ज्यादा गति से घूमने वाली शाफ्ट होती है, या क्रैंक शाफ्ट से अति गति पर घूमने वाली शाफ्ट होती है। तो अति गति पर कैसे घूमती है, तो देखो जी, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट का गियर था, इसपे दांतों की संख्या 50 थी और इसपे दांतों की संख्या 100 है। और जब हमें पता है कि हमें फोर स्ट्रोक जो सिलेंडर होते हैं उनमें चारों क्रियाएं करने के लिए क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, तो ये सबको पता है कि दो चक्कर काटते हैं, तो दो चक्कर काटते हैं, तो दो चक्कर में हमारे ये वाल्व क्या होते हैं, एक बार ही खुलने बंद होने चाहिए, तो इसलिए हम इसको आधी स्पीड पर घुमाते हैं। तो प्रश्न ये भी आएगा कि क्रैंकशाफ्ट के चारों स्ट्रोक पूरे करने के लिए कैमशाफ्ट कितने चक्कर घूमेगी, तो एक चक्कर, और क्रैंकशाफ्ट से कितने चक्कर घूमेगी, तो आधी बार। अब यहां मैंने लोब बढ़ाए एक दो और तीन, प्रश्न ये भी आता है कि केम शाफ्ट पर लोब वाल्व की संख्या में कितने बड़े होते हैं, तो प्रत्येक वाल्व के लिए एक केम लोब बढ़ाई जाती है। कुछ इंजनों में जैसे सिंगल सिलेंडर की बात कर रहा था स्टेशनरी इंजन की, उसमें फ्यूल इंजेक्शन पंप को डायरेक्ट केम लोब से चलाया जाता है, इसलिए वहां एक केम जो सेंटर वाली केम होती है ये एफआईपी के लिए बढ़ा ली जाती है। कुछ इंजनों में यहाँ एक सक्यू गियर दिया जाता है, यहाँ लिख सकते हैं सक्यू, सक्यू गियर। इस सक्यू गियर से अभी मैंने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटर ऑयल पंप ये चलाए जाते हैं, क्या चलाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और ऑयल पंप। डिस्ट्रीब्यूटर क्या चीज है जी, डिस्ट्रीब्यूटर जो गैसोलीन या पेट्रोलियम इंजन है उनको जो इग्निशन स्पार्क बल्ब को बारी बारी से करंट देने के लिए, जैसे हमारे पास पंप होता है बारी बारी से ईंधन को सही समय पर और सही मात्रा में तेल देने के लिए उसकी टाइमिंग सेट होती है, उसी तरह यह डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इस तरह की डिवाइस यहाँ का काम है, यहां मान ले यहां एक डिस्ट्रीब्यूटर बना के देखते हैं अपने, ये लो जी एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार कर ले, बनाना तो नहीं आता फिर भी आप यहां से ये एक शाफ्ट निकली है ना, इस शाफ्ट पे नीचे ऐसे ही दांते कटे होंगे जैसे सक्यू गियर में, ये शाफ्ट ऊपर चलेगी, कहां चलेगी जी, ऊपर चलेगी, ये आ गई मेरी सेंटर में, एक दो तीन और चार, ये मेन लीड होगी, क्या होगी, मेन लीड, इसमें से आया करंट, क्या आया, करंट, ये कुछ पॉइंट है, ये करंट पत्ती घूमनी बार बार, इसके चलने से क्या करेगी, घूमेगी। अब घूमेंगी तो ये देखो पहली बार मैं इसको टच किया, दूसरी बार मैं इसको,
तीसरी बार में इसको और चौथी बार में इसको टच किया। तो अब हमें पता है कि हमारा फायरिंग क्रम क्या था, हमारा फायरिंग क्रम था 1 3 4 2। तो मेरे पास सिलेंडर ये पड़ा 1 2 3 और 4, ये मेरा एक नंबर आ गया, दो नंबर आ गया, तीन नंबर, चार नंबर सिलेंडर। तो फायरिंग क्रम मेरा क्या है, 1 3 4 2। मैं इस एक वाली लीड को एक में लगा दूंगा, ये जी पहले फायरिंग होगी इसमें, फिर इसमें तो यह आएगा कि दो नंबर में करंट आएगा, तो करंट चाहिए मेरे किसको, तीन नंबर वाले में, इसको तीन नंबर में जोड़ दूंगा, फिर तीन नंबर वाली को चार के साथ और फिर चार वाली को दो के साथ। इस तरह से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर काम आता है, डिस्ट्रीब्यूटर का कैप बेकेलाइट का बना होता है। तो हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो हम पढ़ रहे थे कैमशाफ्ट। तो कैमशाफ्ट एक ऐसी शाफ्ट है जो ये क्रैंकशाफ्ट से अधिक गति पर घूमती है, इसके साथ कैम लोब बनी होती है जो इंजन वाल्व की संख्या के, जो कैम लोब होती है इंजन वाल्व संख्या के बराबर होती है। कुछ इंजनों में एक लोब एक्स्ट्रा होती है जो FIP पंप चलाने के लिए काम में ली जाती है। इसके ऊपर एक सक्यू गियर बना होता है, सक्यू गियर से हम डिस्ट्रीब्यूटर या ऑयल पंप को ड्राइव कर सकते हैं। और कैमशाफ्ट का जो गियर होता है इसे टाइमिंग गियर भी बोला जाता है, क्योंकि जब हम टाइमिंग सेट करते हैं तो कैमशाफ्ट के गियर के दो दांते ऐसे निशान होंगे, एक और एक दो दांते, और कैमशाफ्ट के गियर का एक दांता, ये दांता इसमें फंसा देंगे तो हमारी डायरेक्ट टाइमिंग सेट हो जाती है। बाकी टाइमिंग का हम बाद में पढ़ेंगे कैसे सेट की जाती है। तो इस तरह से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं और यह हमेशा क्रैंकशाफ्ट से आधी गति पर घूमती है। चलो इसके बाद में देखते हैं हमारे पास और क्या है। कोई भी दिक्कत हो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर। चलो देखें आगे कैमशाफ्ट की गुणधर्म। तो कैमशाफ्ट की गुणधर्म क्या क्या होने चाहिए हमें पता होना चाहिए, कैमशाफ्ट हमारे क्या काम आई थी। तो स्ट्रोक के अनुरूप सबसे पहली बात, कैमशाफ्ट होती है जिस प्रकार का स्ट्रोक है उसी के अनुरूप वाल्वों को खोलती और बंद करती है। कैमशाफ्ट के द्वारा हम फ्यूल पंप को चलाते हैं, कैमशाफ्ट के द्वारा हम ऑयल पंप को चलाते हैं जो स्क्रू गियर के द्वारा चलता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के सहायता से, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर को हम कैमशाफ्ट के द्वारा चला सकते हैं। और वाल्वों का जो खुलना और बंद होना होता है वो इसी टाइमिंग पर, क्या एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, ये हमारे पास एक कैम लोब है, इस पे जैसे वाल्व यहां आएगा तो पूर्णतः बंद हो जाएगा, जैसे धीरे धीरे आएगा उठता जाएगा। ये मेरा एक वाल्व क्या है, टेपर्ड है, ये मेरा क्या है, टेपर्ड है। जैसे जैसे ये आएगा और धीरे धीरे गिरता जाएगा, इसकी पोजीशन ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये, तो मेरे इसकी पोजीशन हमारी आ जाएगी तो ये बिना झटकों के वाल्वों को खोलता और बंद करता। बहुत सी बार प्रश्न पूछा गया, अभी मैं आपको देता हूं कि वाल्वों को खोलने और बंद करने का काम कौन करता है। तो यहां मैं लिख दूं रोक कर आरंभ, पुश रोड, कैमशाफ्ट या क्रैंकशाफ्ट। तो यहां कंफ्यूज हो जाता आदमी कि यार रोकर आरंभ भी वाल्व को खोलती है, पुश रोड भी खोलती है, कैमशाफ्ट भी खोलती है, क्रैंकशाफ्ट भी शायद नहीं खोलती। तो यहां हमारा सीधा उत्तर होना चाहिए कि कैमशाफ्ट के बिना वाल्वों का खुलना संभव नहीं है। तो बंद कौन करता है वाल्व को, कैमशाफ्ट तो सिर्फ ये घूम जाएगी, ये लिफ्टर अपनी जगह पर आ जाएगा, बंद करते हैं वाल्व स्प्रिंग, इसको वाल्वों को बंद कौन करता है, वाल्व स्प्रिंग। तो अभी तक हमने पढ़े सही समय वाल्वों को खोलना, धीरे धीरे खोलना, आसानी से खोलना, वाल्व को डिस्ट्रीब्यूटर चलाना, ऑयल पंप को चलाना, ये सारे के सारे क्या थे, कैमशाफ्ट के एक गुणधर्म थे। कैम लोब की उपयोगिता, कैम लोब की उपयोगिता क्या होती है कि कैम लोब हमें ऐसे बने होने चाहिए, हमें पता है कैम लोब क्या होते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक इस तरह में, एक इस तरह से बना हुआ है, एक इस तरह से बना हुआ है, तो सभी कैम लोब अलग अलग दिशा में बने होते हैं। सही तरीके से वाल्व को खोलते और बंद करते हैं, इनका काम यही होता है कि वाल्व को खोलना और बंद करना। उसके बाद हमारे पास आता है टाइमिंग बेल्ट व चेन। अब बात आती है कैमशाफ्ट को हम ड्राइव कैसे करते हैं, कि मेरे पास ये क्रैंकशाफ्ट चल रही है, ये क्रैंकशाफ्ट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इसका गियर बनाऊंगा, क्या सिर्फ एक गियर बनाऊंगा, ये हो गया क्रैंकशाफ्ट गियर, क्या हो जाए क्रैंकशाफ्ट गियर, ये हो गया क्रैंकशाफ्ट गियर। और ये मैं यहां से अगर इसको अटैच कर दूं सीधा किसको, कैमशाफ्ट को, तो ये हो गया गियर ड्राइव, मतलब कि जहां कैमशाफ्ट
क्रैंक शाफ्ट के बिल्कुल नजदीक लगाई जा सके वहां हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, गियर से गियर जोड़ सकते हैं। परंतु आप कुछ थ्योरी पढ़ोगे तो आपको ओवरहेड कैम शाफ्ट भी मिलेगी, जहां जो कैम शाफ्ट होती है हेड में फिट होती है, वाल्वों को यहां से ऑपरेट किया जाता है ऊपर से, मतलब कि डायरेक्ट कैम शाफ्ट से वाल्वों को खोला जाता है। ये कैम होती है, इनसे डायरेक्ट ही वाल्वों को, मतलब कि बिना लिफ्टर बिना पुश रॉड के डायरेक्ट वाल्व को खोला जाता है। तो यहां पर चलाने के लिए अपने क्या करेंगे, यहां चलाने के लिए हम या तो चेन व्यवस्था करेंगे, क्या इसके बीच में अपने क्या लगाएंगे, चेन लगाएंगे, या लगाएंगे क्या बेल्ट, क्या लगाएंगे जी बेल्ट, कौन सा फैन बेल्ट, इन तीन चीजों से हम इसको ड्राइव दे सकते हैं। उसके बाद में आता है क्रैंक व कैमशाफ्ट का संबंध, तो संबंध हम किससे बढ़ाएंगे, इन तीन चीजों से, गियर से, जो ये आ गया टाइमिंग चेन और बेल्ट। टाइमिंग चेन की एक दुविधा रहती है, कुछ समय बाद टाइमिंग चेन में खिंचाव से क्या होता है, उसके भाग घिस जाते हैं और हमारी टाइमिंग खराब हो जाती है, जिससे धुआं ज्यादा देगा, कुछ भाग टूटने फूटने का भय रहते हैं, इसलिए टाइमिंग टेंशनर लगाया जाता है या एक आइडलर गियर लगा करके उसको हमेशा दबाया जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार का सेलेक्ट नहीं हो। तो उसके बाद चेन टेंशन रहता है मेरे पास, अंतिम चेन टेंशन आपने देखा होगा, एक अंदरूनी पार्ट होता है जिसको लगाने के बाद जैसे चेन ढीली होती है वो उसका समय ही उसको दबाए रखता है ताकि वो झोल जिसे अपने कहते हैं, लचक जिसे कहते हैं, वो न हमारे इससे बचाव हो सके। तो आज हमने जो भी पढ़ा, आज हमने पढ़ लिया कि इंजन के भाग में एक हमारा क्रैंक हो गया, क्रैंक में वाइब्रेशन डैम्पर हो गया, तो तीसरा क्रैंकशाफ्ट हो गया और फ्लाई व्हील हो गया। इसके बाद हमारे कुछ भाग बचते हैं, यह अभी लेसन हमारा कुछ दिन और चलेगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, कोई भी कमेंट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो या हमारी बुक में ये दिया है, तो मैं उसको जरूर सॉल्व करके आपके सामने दोबारा लेके आऊंगा। तो सभी को फिर बाय बाय, राम राम, जय राम जी।